आज नागपुर के रवि भवन में कांग्रेस पार्टी के शहर जिला और ग्रामीण जिला उम्मीदवारों की मुलाकात संपन्न हुई। इन मुलाकातों का नेतृत्व पूर्व मंत्री नसीम खान ने किया। इस दौरान 6 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों से विचार विमर्श किया गया। कुल 72 शहर जिला उम्मीदवारों और ग्रामीण क्षेत्रों से 41 उम्मीदवारों ने इन मुलाकातों के लिए आवेदन किया है। नसीम खान ने कहा कि विदर्भ की जनता ने महाविकास आघाड़ी पर पूरा विश्वास जताया है। राज्य में महाविकास आघाड़ी की लहर है और इसी कारण महायुति घबराई हुई है। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर महाविकास आघाड़ी को पूरे राज्य में जनता का समर्थन मिल रहा है, ऐसा नसीम खान ने कहा। उन्होंने टोल मुक्त निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम टोल मुक्ति के निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ मुंबई के लिए क्यों, पूरे महाराष्ट्र में इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र को बचाने और महाविकास आघाड़ी को सफल बनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान नागपुर की सीटों और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जारी है, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। हालांकि नागपुर को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नरेंद्र जिसकार पर कोई चर्चा नहीं हुई और उनकी भूमिका का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। नागपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की मांग की है। विदर्भ की राजनीतिक गतिविधियों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। विदर्भ में राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर सबकी निगाहें लगी हुई है। आचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्ये उपस्थित नागपुर शहर जिला कांग्रेस समिति चे अध्यक्ष विकास ठाकरे जी, महाराष्ट्र चे कांग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते श्री अतुल लोंडे जी, श्री अभिजीत आमदार अभिजीत बंजारी जी, श्री अतुल कोटेजा जी, कांग्रेस चे ज्येष्ठ नेते शेख हुसैन साहेब, महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री शकुर नागानी जी, जिला कांग्रेस के सर्व आमचे पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, आज कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।